YouTube चैनल, मैं हूं निगाह और दिल से स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। गाइज, आज मेरे स्टूडियो में आप देख रहे होंगे मेरी सब्सक्राइबर भी हैं और ये मेरी सिस्टर भी हैं, और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि किसी और के ऊपर ट्रीटमेंट करके दिखाओ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। ये मेरी सिस्टर है और इनको अपने फेस के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट हो गई है गाइज, क्योंकि आप जानते हो कि 35 के बाद हर इंसान की स्किन जो है एज करना शुरू हो जाती है और हमारे स्किन का जो कोलेजन है, वो जो नेचुरल कोलेजन होता है, वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीजें अपने चेहरे के ऊपर दिखती हैं। तो जैसा कि मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी, मैं पूछूंगी कि आपको क्या लग रहा है, क्या क्या एजिंग आपको दिख रही है। निगार जी, हमारी मतलब पहले हमारे यहाँ पे कोई भी रिंकल्स नहीं पड़ते थे, अब ऐसे जैसे स्माइल कर रही हूँ तो यहाँ से वैसे रिंकल्स। अच्छा, जब स्माइल करती है तो आंखों के आसपास की स्किन सिकुड़ जाती है। अच्छा, ठीक है। कि ये चीज थी पहले ऐसे टाइट रहता था। अच्छा, ये स्किन टाइट होती थी, हल्का अभी ज्यादा नहीं होगा, हल्का। ये एक्चुअली में इसको लॉफिंग लाइंस बोलते हैं, ये जब हम हंसते हैं ये वाला एरिया हमारा जब सैग होता है होता है तो इसको हम कहते हैं कि हमारी एज शुरू हो गई है और स्किन हमारी लूज होने लगती है। ठीक है, तो फिर मैंने ये सोचा कि कहीं ज्यादा ना हो जाए। हाँ हाँ, फिर जब आप हमारी सिस्टर भी है, हाँ हाँ, जब ये भाई सबका करते हैं तो हमने कहा भाई मेरे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज, आज बहुत अच्छा आपके साथ एक ट्रीटमेंट शेयर कर रही हूँ। आफ्टर 30+ हो आप, या फिर आप 30+ हो या 35+ हो, आप 40+ हो, आप 50+ हो, आप इस एंटी एजिंग ट्रीटमेंट को करके अपनी स्किन को टाइटन अप कर सकती हो। स्किन अगर लूज हो रही है तो उसको आप अपलिफ्ट कर सकती हो। अगर आपके चेहरे पे रिंकल्स दिख रही हैं, फाइन लाइंस दिख रही हैं या एज स्पॉट दिखने लगे हैं, जैसा कि इनको मैं देख रही हूँ कि यहाँ साइड में हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट दिख रहे हैं, तो ये भी आपके जाने वाले हैं। अगर आपको नजदीक से मैं इनका फेस अभी दिखाती हूँ क्लियर करके, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे है फेस पे। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को अगर आप भी फेस कर रही हो, आप भी चाहती हो कि आपकी स्किन हमेशा यंग रहे, फॉरएवर टाइट रहे, तो आज का ट्रीटमेंट आप सब जरूर चाहिए करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है, और आज का वीडियो आप सभी पहले ही लाइक करोगे, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप घर बैठे उसका फायदा उठा सके। तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मेरी प्यारी सी सिस्टर के ऊपर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। कीप वॉचिंग। तो ये ट्रीटमेंट एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है गाइस, और सबसे पहले मैं इनके फेस के मेकअप को रिमूव करूंगी। मैंने लिया है रोज वाटर, आपको भी अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना है। इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ट्रीटमेंट ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है और आप सभी लोग कर सकते हैं अगर आपकी एज 30 से ऊपर क्रॉस कर चुकी है। तो यहाँ पे मैंने इनके पूरे फेस के मेकअप को हटा दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे रिंकल्स भी हैं, फाइन लाइंस भी हैं और इनकी एज इनके चेहरे से झलक रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ इनके फेस के लिए एक एंटी एजिंग क्लींजर मैं तैयार करूंगी। क्लींजर के लिए आपको खट्टा दही लेना है जो तकरीबन 3 से 4 दिन का रखा हुआ हो। ठीक है, इसके अंदर भरपूर होता है विटामिन सी और इसके अलावा लैक्टिक एसिड जो स्किन की एज को खत्म करता है। दूसरी चीज यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। अगर आपको जैतून का तेल सूट नहीं करता या आपके पास नहीं है तो आप बादाम का तेल लेंगी, क्योंकि ये एंटी एजिंग है। इन दोनों ऑयल में से ही एक आपको यूज करना है। ठीक है, एक विटामिन ई का कैप्सूल आपको लेना है, आपको इसी में इसको तोड़कर इसका ऑयल मिला देना है और इन सारी चीज़ों को आपको मिक्स करना है। ये हमारा स्किन को क्लीन करने के लिए एंटी एजिंग क्लींजर बनकर तैयार है। और इनके फेस की एज आप समझ सकती हैं, देख रही होंगी कि झुर्रियाँ भी दिख रही हैं, आँखों के चारों ओर लाइंस नज़र आ रही हैं, लॉफिंग एरिया भी इनका बहुत ज़्यादा सैग है और स्किन भी बहुत ज़्यादा लूज है। तो इसको आपको पूरे फेस के ऊपर ये क्लींजर पहले अप्लाई करना है, और क्लींजर अप्लाई आपको इस तरह से करना है, एक थिक लेयर बनानी है आपको और इसको पूरा अच्छी तरह से अपने फेस के ऊपर लगाना है, नेक पे भी लगाना है। यहाँ पे मैं इनकी फेस की लेयरिंग करूंगी आज गाइस। लेयरिंग का मतलब है कि डीप हाइड्रेशन भी दूंगी, स्किन की टाइटनिंग के लिए मास्क भी तैयार करूंगी और स्किन पॉलिशिंग के लिए यहाँ पे मैं ऑयल मसाज भी दूंगी। ठीक है, तो पूरी अच्छी तरह से प्रॉब्लम को देखने के बाद मैं सबसे पहले एंटी एजिंग क्लींजर से इनके फेस पे मसाज कर रही हूं। अगर आप इस मसाज को पूरी तरह से अगर अपनाते हो तो ये मसाज आपके चेहरे की सैगिंग को दूर करता है, आपके माउथ एरिया पे अगर स्किन झूलने लगी है, लटकने लगी है, वो दूर करता है, स्किन को टाइट करता है, आंखों के आसपास आई हुई झुर्रियों को खत्म करता है। मसाज आप देख लो, ऐसा मसाज आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपने अपने हाथों से ये मसाज करना स्टार्ट कर दिया तो समझ लीजिए आपकी स्किन की काया पलट जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे अपलिफ्ट कर रही हूँ मैं इनकी स्किन को, ऊपर की तरफ आपको अपने हाथों का डायरेक्शन रखना है जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं, और इसी दही के एंटी एजिंग क्लींजर से अपने फेस को मसाज देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका आईब्रोज वाला एरिया सैग हो रहा है तो इस तरह से आप कर सकते हो। एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं खुद अपने हाथों से भी अपने ऊपर इस तरह के मसाज करती रहती हूँ, तो आप भी सेल्फ मसाज ये कर सकते हो, ये नहीं कि आपको किसी और की हेल्प चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इस एंटी एजिंग क्लींजर से मैंने मसाज आज किया है, तकरीबन 5 मिनट से लेकर 7 मिनट आपको देने हैं। आईज के आउटर कॉर्नर पर आप इस तरह से कीजिए, यहाँ पे इनकी लाइंस बहुत ज़्यादा दिख रही थी, बहुत ज़्यादा जो गहरी हो चुकी थी, तो मैंने बहुत अच्छी तरह से मसाज किया है। अब ये लॉफिंग एरिया आप देखिए बहुत सैग है, तो यहाँ पे मैं अपलिफ्ट कर रही हूँ इनकी स्किन को और ऊपर की तरफ इनकी स्किन को ले जाकर टैप कर रही हूँ, ठीक है। आपको भी बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह से करना है और इस पूरे एंटी एजिंग क्लींजर को अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है, ठीक है। अब इसको आपको गीले टॉवल से पोंछ लेना है। जब आप ये फर्स्ट स्टेप क्लियर करोगी तो आपको दिखेगा कि आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो गई है, बिल्कुल क्लियर हो गई है, और स्किन के ऊपर बहुत ग्लो आ जाएगा और कई हद तक आपको स्किन की टाइटनेस जो है ना फील होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा अच्छी तरह से इनके इस चेहरे को क्लीन कर दिया है गाइज, और क्लीन करने के बाद आप देख सकते हो फेस काफ़ी ज़्यादा ग्लोई ग्लोई सा लग रहा है। सेकेंड स्टेप यहाँ पे आता है मसाज का। अगर आपके पास बादाम का तेल है आप ले सकती हो, जैतून का तेल ले सकती हो, ये दोनों ही तेल एंटी एजिंग के लिए होते हैं। मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड, फैटी एसिड, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो चेहरे की सैगिंग को दूर करते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल लीजिए और स्किन के ऊपर टैपिंग करिए ऑयल से, और यहाँ पे जो एरिया आपका प्रॉब्लम वाला है वहाँ पे स्किन को अपलिफ्ट करिए। मुझे इनकी चिन का एरिया लूज दिख रहा था तो यहाँ पे मैं इनकी स्किन को अपलिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये मसाज आपकी स्किन को टाइटन अप करता है और इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला ये मसाज है गाइस, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं। सेम एज इट इज अगर आप अभी ऑयल है आपके पास आप करते जाओगे तो आपको सारे स्टेप अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, ठीक है। 35 और 40 प्लस वाली लेडीज़ के चेहरे पे सैगिंग दिखना शुरू हो जाती है, जैसा कि ये मेरी सब्सक्राइबर भी हैं और इनको पता है कि निगार के पास बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, तो मेरे पास सडनली आई और इन्होंने बोला निगार मुझे ये ट्रीटमेंट दे दो, तो मैं ना स्टार्ट हो गई करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो आईब्रोज एरिया भी इनका बहुत ज़्यादा सैग दिख रहा है, तो आपको इस तरह से अपलिफ्ट करना है, स्किन को ऊपर की तरफ खींचना है और टैप करना है, ठीक है। तो ये समझिए कि जब आप टैपिंग करते हो, जब आप स्किन को अपलिफ्ट करते हो, जब आप मसाज करते हो, तो स्किन बहुत ज़्यादा आपकी टाइटन अप हो जाती है। अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है तो ये स्टेप ज़रूर आप करें, आपकी डबल चिन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तकरीबन 5 मिनट का आपको मसाज देना है। ऑयल मसाज करने के बाद एक बार फिर से आप गीले टॉवल से अपने पूरे फेस पे लगे हुए ऑयल को वॉश कर लीजिए। यहाँ पे एंटी एजिंग मैं बना रही हूँ मास्क, इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ चावल का आटा, ठीक है। ईजिली घर पे जो भी चावल हो आप ले सकती हो। इसके बाद लेना है लाल मसूर की दाल का पाउडर, जो स्किन को फेयर भी करता है और दाग धब्बों को भी हटाता है। स्पेशली ये एंटी एजिंग मास्क है गाइस, इसको आप कभी भी लगा सकती हो, डेली भी लगा सकती हो, ठीक है। और इसके बाद खट्टा वाला दही जो मैंने रखा हुआ था उसी दही का इस्तेमाल करना है आपको। तकरीबन 2 से 3 चम्मच आपको दही लेना है। यहाँ पर आपको लेना है फ्रेश पत्ता तोड़कर एलोवेरा का, इसका जेल हम लेंगे, ठीक है। पत्ते वाला लोगे तो ज़्यादा इफेक्ट देगा, मार्केट वाला है तो भी चलेगा, बट ढूंढ लेना पत्ता कहीं से अगर मिल जाए तो तोड़कर इस पत्ते के जेल को आप इसी के अंदर मिक्स कर देना, ठीक है। बहुत प्यारा सा ये मास्क हमारा तैयार हो रहा है जो कि हमारी स्किन को बहुत टाइटनिंग देने वाला है। थोड़ा सा रोज़ वाटर आप डालिए, तकरीबन 2 टीस्पून इसमें रोज़ वाटर मिक्स कीजिए, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपको स्टर करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि ये जो हमारा मास्क है ना ये स्लाइम जैसा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी स्किन को नींबू सूट करता है, नींबू एंटी एजिंग भी होता है, चेहरे के दाग धब्बों को हटाता है, एज स्पॉट को हटाता है, झाइयों को भी कम करता है, इसलिए मैंने आधा नींबू का रस इसमें ऐड किया है। आपको सूट नहीं करता है आप स्किप कर देना। और इसके बाद यहाँ पे ये मास्क की लेयरिंग मैं इनके फेस के ऊपर कर रही हूँ। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि इनके फेस काफ़ी ज़्यादा इस वक्त सैग हो रहा है, तो मैं इसकी लेयरिंग करूँगी, बहुत अच्छी तरह से एक थिक लेयर इनके फेस के ऊपर लगाऊंगी। और इसको सूखने के लिए आपको छोड़ना है तकरीबन 20 मिनट के लिए, आप इसको सूखने के लिए छोड़ोगी गाइज, और 20 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। पूरा ये मास्क आपका इस तरह से लगना चाहिए जैसे आपको लगे कि आपकी स्किन एकदम खिंच रही है, आपको ऐसा फील होगा कि स्किन पर बहुत ज़्यादा खिंचाव है। और मास्क लगाने के दौरान आपको बिल्कुल बात नहीं करना है। आधा टुकड़ा आपको लगाना है, लेना है टमाटर का,
ये आपकी स्किन को एकदम से कस देता है, आपको सेल्स को बाइंड कर देता है, स्किन की टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, ऑलिव अगर ऑयली स्किन है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। टमाटर का एक टुकड़ा लीजिए और हल्के हाथों से आपको अपने फेस के ऊपर रब करना है। अगर आपको झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा गहरी है गाइस, तो सिर्फ आधा टमाटर का रस आप डेली यूज़ करना शुरू कर दीजिए। सुबह उठिए, आधा टमाटर लीजिए, फेस के ऊपर रगड़ डालिए पूरा, तो इससे क्या होगा, आपकी फाइन लाइंस, आपकी गहरी झुर्रियां धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मैं बहुत हल्के हाथों से इनके फेस के ऊपर ये मसाज कर रही हूँ, टमाटर से रब कर रही हूँ, जो कि इनके स्किन को एकदम क्लीन करने वाला है। अगर थोड़ी बहुत लेयर होगी स्किन के ऊपर डेड सेल्स की तो वो हट जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको हटाती हूँ गाइज, और ये मास्क हटाने के बाद आप यहाँ पे इस एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का रिजल्ट बस देख लीजिए। स्किन इतना ज्यादा टाइटन अप हो गई है इनकी, और यहाँ पे आप देखिए चेहरे की सैगिंग काफी हद तक आपको कम दिख रही होगी। पहली बार का ये रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट इतने कमाल का है, इतने गजब का है कि यहाँ पे आप देख सकती हो कि इनके फेस की काफी हद तक सैगिंग, काफी हद तक जो एजिंग थी वो कम दिख रही है। आंखों के आसपास अगर आप गौर करोगी ना, तो पहले बहुत गहरी लाइंस थी, वो लाइंस भी इनकी कम दिख रही है, ठीक है। रामबाण इलाज है आपकी स्किन को टाइट करने का, आपके पोर्स को क्लीन करने का, आपकी स्किन को क्लीन करने का, यूथफुल ग्लो के लिए, स्किन को टाइटन अप करने के लिए, इंस्टेंट रिजल्ट देने के लिए ये बहुत प्यारा ट्रीटमेंट है, और बहुत गहरा असर आपकी स्किन के ऊपर ये छोड़ता है। यकीन मानिए, ये फेस ट्रीटमेंट करने के बाद आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड होने वाले हो। यहाँ पे मैं इनके पूरे फेस को वॉश करके अब आपको दिखा रही हूँ विदाउट मेकअप। आप पहले के कंपेयर में अगर देखोगे गाइस, तो पहले वाला फेस और अब का फेस में जमीन आसमान का फर्क है। इनकी स्किन काफी ज्यादा अपलिफ्ट हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एजिंग का नामो निशान फेस के ऊपर नहीं दिख रहा है, जैसा कि इनकी स्किन बहुत ज्यादा डल दिख रही थी, और लूज होकर लटकी हुई स्किन जो नजर आ रही थी वो काफी ज्यादा टाइटन अप हो गई है। अब आपको अपने फेस को रगड़ के नहीं सुखाना है, टैपिंग कीजिए टॉवल से और अपने फेस पे डैब डैब करते हुए जो पानी है ना फेस पे लगा हुआ, इसको अपनी स्किन के अंदर सुखाना है गाइज। और अपनी स्किन के ऊपर एक लास्ट स्टेप आपको देना है, यहाँ पे मैं कोलेजन बूस्टर क्रीम यूज कर रही हूँ, जो कि ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं, मैंने इनके लिए ही बनाई थी और इसको मैं लगा रही हूं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ये सभी लोग ट्राई करना, ये क्रीम एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। इस क्रीम को लगाने के बाद स्किन के ऊपर पूरी तरह से पेनिट्रेट कर दिया है मैंने, और यहां पे ये फाइनल रिजल्ट आप देखो गाइस, जबरदस्त रिजल्ट है इस क्रीम का, इस एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का गाइस, और बहुत गहराई से इसने इनकी स्किन को टाइटन अप किया है, फेस की रिंकल्स को खत्म किया है, स्किन बहुत ज्यादा ग्लो कर रही है। बिना मेकअप के आप देख सकते हो कि कितना जबरदस्त निखार आया है, और चेहरा इनका पहले से बहुत ज्यादा यंग दिख रहा है, यूथफुल दिख रहा है, और शाइन आप देख लो कितनी जबरदस्त आई है गाइस। तो बहुत खूबसूरत ये ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट आपकी स्किन की एज को तुरंत रिवर्स कर देता है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी गहरी लाइंस और जो लॉफिंग लाइंस थी, जो आंखों के आसपास झुर्रियां थी, वो काफी हद तक फेड अप हो गई हैं सिर्फ एक बार के ट्रीटमेंट पे। तो आप हफ्ते में एक बार इसको ज़रूर कीजिए, और इस ट्रीटमेंट को करने के बाद आपको सोप साबुन फेस वॉश नहीं यूज़ करना है। तो सभी लोग ट्राई कीजिए, और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप आगे भी देख पाएँ। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट और आप लोगों की डिमांड हो, निगारा ऐसा पूरा ना करे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है गाइस। तो मैंने आज अपनी सिस्टर के ऊपर ये ट्रीटमेंट करके दिखाया है, जो कि उनको बहुत प्यारे रिजल्ट आए हैं, और आप देख सकते हो, आपने देखा ही होगा वीडियो में कि उनके फेस अपलिफ्ट हुआ है इंस्टेंटली जब आप इसको हफ्ते में एक बार करते हो। या मान लीजिए आपकी एज 50+ है, 40+ है, तो आप इसको हफ्ते में दो बार कर सकती हो। ये बिल्कुल नेचुरल ट्रीटमेंट है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सारी चीज़ें आपके घर पर मौजूद है, और आप पाओगे कि आपकी स्किन इंस्टेंटली काफी ज्यादा अपलिफ्ट और टाइट हो गई है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि मेरी फैमिली को आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपने पहले ही लाइक कर दिया होगा, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें बिना कतई ना जाए, बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले नेक्स्ट व्लॉग को कल जरूर देखिएगा। कल आपको पता चलने वाला है कि मुझे बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुआ है। कल का वीडियो व्लॉग चैनल पर जाइए, व्लॉग चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पे मैं आपके साथ ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूँ, व्लॉग चैनल पर लेकर आती हूँ अपनी लाइफ की अपडेट। तो मेरे साथ बने रहने के लिए दोनों चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, लोगों के साथ शेयर करना होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा अच्छे से ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।